जिला अस्पताल में जलकल विभाग द्वारा लगाया गया 8 हैंडपंपों में से 2 हैंडपंप काफी दिनों से खराब पड़े हुए हैं, जिससे अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को भीषण गर्मी में पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इसके लिए जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर एस के श्रीवास्तव ने जलकल को पत्र लिखकर अवगत भी कराया, लेकिन जलकल विभाग और जिला अस्पताल प्रशासन के खींचातानी के बीच हैंडपंप की मरम्मत नहीं हो पाया, जिससे मरीजों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। आपको बता दें कि भीषण गर्मी में जल ही एकमात्र सहारा है। जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए हैंडपंप तो लगवाए गए, लेकिन उसमें से पानी नहीं निकल रहा है। इसको लेकर जिला अस्पताल गंभीर नजर नहीं आ रहा है। इसके संबंध में जब गोरखपुर न्यूज ने प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर एस के श्रीवास्तव से बात की तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा, पेयजल की जो है पर्याप्त व्यवस्था है, जिसके लिए वाटर कूलर जो है हमारे करीब 4 वाटर कूलर जो है जो ठंडा पानी देते हैं वो 4 लगे हुए हैं, और आरओ प्लांट भी जो है 5 लगे हुए हैं, जिससे कि शुद्ध पेयजल मिलता है। उसके अलावा जो है इंडिया मार्का पंप जो है हमारे जो हैं 8 लगे हुए हैं, जिसमें से 2 थोड़ा सा फंक्शन नहीं है, तो उसके लिए जो है जलकल को पत्र लिखा गया है ठीक करने के लिए, बाकी 6 जो है कार्यरत हैं।